Okay, ji. Assalamu alaikum, everybody. That I hope you guys are good. And so let's take a starter for today's class. That's what it's a spoken English that we are going to learn and we are going to learn. तो सबसे पहले मैं सेशन से रिलेटेड तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज पहली पहली क्लास में प्रोवाइड करूंगी. उसके बाद हम अपनी पहली क्लास की थोड़ी सी चीजें सिर्फ पढ़ेंगे और आज मैं प्रॉपरली तमाम क्वेश्चंस और कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर करने वाली. तो सबसे पहले जी वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट्स लर्निंग विद अर्निंग बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू चूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग सम प्रोफेशनल स्किल्स और जो कि हमारा मेजर टारगेट भी है और हम चाहते भी हैं कि हम अंग्रेजी को सीखें. तो सबसे पहले जरा मुझे सब लोग ये बता दें जी कि कैसे हैं आप सब. जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट हाउ यू ऑल ताकि एक बार प्रॉपरली हमारी कम्युनिकेशन हो सके. सब लोग अपना चैट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस वक्त मुझसे बात करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी से सेशन की सारी डिटेल्स जाने. कैसे हैं जी आप सब. Okay, ji, very good. Sounds good. Very good. Everybody is very nice. Good, fine. Okay. So now the next question to everyone is that आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त जो हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होंगे कि जनाब हमें जरा पहले ये तो बताएं कि ये जूम पे हमें जो कनेक्ट कर लिया गया है ये क्लासेस होंगी कैसे. लैंग्वेज की क्लास और वो भी ऐसे डिवाइसेस पे जहाँ पे हमारे माइक्स ही म्यूट हैं. तो आप लोग सब लोग बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे इस बारे में भी कि हमें पहले जरा बता दें हमें टास्क कैसे करने हैं, हमें असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करवानी है, हमारी लाइव क्लासेस कैसे होंगी, हमें जूम पे कैसे कनेक्ट करना होगा, हमें व्हाट्सएप पे क्या कुछ करना होगा. तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में इस वक्त डेफिनेटली होंगे और होने भी चाहिए बीइंग अ लर्नर. तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप तमाम लोगों को सारे प्रोसेसेस समझा रही हूँ पहली और आखिरी बार. तो विल बी वेरी थैंकफुल कि आप तमाम लोग अब से लेकर अगले 10 मिनट तक की सारी क्वेश्चंस और आपके आंसर्स इन शॉर्ट सारे बहुत गौर से सुनेंगे और फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है अगर तो वो हम एंड में आपसे क्वेश्चन भी ले लेंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा. लेकिन फिलहाल आप तमाम लोग इस सेशन से रिलेटेड तमाम डिटेल्स को सुनेंगे. याद रखिएगा जी ये कोर्स जो है अच्छा जी मेरी बात सुन लीजिए पहले सब सुन ले मैं बताती हूँ एक एक चीजें बताती हूँ. एमओ खान एमओ एमओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमओ. अच्छा जी ऐसा है कि जनाब सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी ट्रेनिंग की कि ये ट्रेनिंग किस लेवल तक की होगी, क्या कुछ सिखाया जाएगा और क्या कुछ चीजें इसका पार्ट होंगी. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो डेफिनेटली हमारी यही है जी. ये ट्रेनिंग जो है वो आपकी एक महीने की है जो कि दो लेवल्स पे ऊपर है. द वन थिंग इज अबाउट बेसिक and second is what it's an advance. 6 lectures aapke honge ji basic level ke aur 6 lectures aapke honge advanced level ke within a month jo ki aapke online classes hongi. 12 lectures honge online ke through honge ji zoom ke through honge. isi tarah se 12 lectures honge aapke offline jo ki honge whatsapp ke through. sirf aapko sunday ki chutti di jayegi that's it. ठीक है जी ये 12-12 सेशन आपके होंगे पूरे महीना आप हमारे साथ फुली पैक्ड हैं. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि जो आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएंगी इस वक्त तो मैं बोल रही हूँ उर्दू. डेमो जिन्होंने मेरा अटेंड किया था वो लोग भी स्विच बैक लैंग्वेज सुन रहे थे. लेकिन क्या मैडम आप अपने सेशन जब पढ़ाएंगी तो क्या अंग्रेजी बोलेंगी क्या करेंगे. इस वक्त भी आप देख रहे होंगे मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को उर्दू में बाउंड रख के पूरा का पूरा सेशन इस वक्त डिलीवर कर रही हूँ ताकि ये प्रॉब्लम्स हर बंदे की प्रॉब्लम है हर एक को समझ आ जाए. अंग्रेजी के चक्कर में पता लगे ये मसले भी हल ना हो रहे हो हमारे. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जी कि जो आपके बेसिक के 6 लेक्चर्स होंगे वो स्विच बैक लैंग्वेज में होंगे वो बायलिंगुअल होंगे. यू आर बाउंडेड टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस और मैं भी बाउंड होंगी कि हम उर्दू और अंग्रेजी दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे. ठीक है जिस वक्त हम अपनी एडवांस क्लास की तरफ मूव करेंगे याद रखिएगा बेसिक क्लास के बाद एक बेसिक की असेसमेंट टेस्ट भी आपका होगा. दो वीक के असेसमेंट टेस्ट के बाद आप तमाम लोग जो हैं वो अपनी एडवांस क्लासेस की तरफ मूव कर जाएंगे और वहां वही मूव करेंगे जो कि असेसमेंट टेस्ट को जरा थोड़े से अच्छे तरीके से सीरियस होकर लेंगे उसको. तो एडवांस क्लासेस में आप में से या मुझ में से किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि हम लोग अंग्रेजी के अलावा कोई भी जबान को बोले.
ठीक है जी, ये डिफरेंस है बेसिकली। कंटेंट तो आप लोग देख ही चुके हैं क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, तो दिस इज समथिंग एल्स। मगर इस सारे के सारे सेशन में होगा यही कि बेसिक लेवल पे आप तमाम लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे बोथ लैंग्वेजेस में, और एडवांस लेवल पे हम अंग्रेजी में ही कनेक्टेड होंगे दर्शक। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम इन क्लासेस की तरफ। के क्लास की जो टाइमिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, टाइमिंग यही रहेगी पूरे महीने तक, ऑनलाइन क्लासेस की भी और ऑफलाइन क्लासेस की भी। जैसे कि आपकी आज क्लास ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली जब आपकी ऑफलाइन क्लास होगी तो वो भी इसी टाइम पे होगी, 7:09 बजे ही। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी ये जो 3 दिन हमारी ऑनलाइन क्लास है, एक हफ्ते में, और 3 दिन ऑफलाइन क्लासेस है, ये दिन कौन कौन से होंगे? तो याद रखिएगा कि जिस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास है उससे अगले दिन आपकी ऑफलाइन क्लास होगी। एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी ऑनलाइन क्लास है और एक दिन ऑफलाइन, एक दिन ऑनलाइन एक दिन ऑफलाइन, यानी कि 6 दिन में आपकी 3 दिन ऑनलाइन क्लास है, वीक में 3 दिन ऑफलाइन क्लासेस है। दैट क्लियर? अब आ जाते हैं जी, टास्क कैसे करने हैं आपने, टास्क कैसे करने हैं आपने अपने आपको। जो डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे, उनको कैसे करना है। असाइनमेंट्स जो भी होंगी, वैसे तो आप लोगों को जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स होंगी, यानी कि जो जूम पे इस वक्त आपका लेक्चर चल रहा है, जो कुछ भी असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी, वो तमाम के तमाम असाइनमेंट्स आपने हमारे लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पर सबमिट करवानी है। आप उस असाइनमेंट में चाहे पेपर पे बना लें, उसकी पिक्चर खींच के भेज दें, कोई इशू नहीं है। आप उसको प्रॉपरली वीडियो फॉर्म में होंगे डेफिनेटली कुछ असाइनमेंट्स आपकी, तो उसमें जरूरी नहीं है आप अपने चेहरे को डिस्प्ले करें, आप वीडियो में आपका आना जरूरी नहीं है, मगर बैकएंड पर वॉइस आपकी होनी चाहिए। हर हाल में जो कुछ बोल रहे हैं आप, एडिटर्स यूज कर लें, कुछ भी चला दें, एनिमेशन लगा दें उस वीडियो में, कुछ भी कर दें, मगर वॉइस बैक पे आपकी ही होगी। ये तमाम चीजें आप करवाएंगे सबमिट अपने फेसबुक ग्रुप जो हमारा ऑफिशियल लर्निंग विद अर्निंग का है, ताकि आप सब लोग वहां पे भी एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब आ जाते हैं जी, बहुत सारे स्टूडेंट का मसला ये होता है जी हम फेसबुक ही यूज नहीं करते मिस। मैंने स्पेशली लड़कियों के साथ ये बड़ा मसला होता है जी, मैंने तो कभी आज तक फेसबुक ही नहीं यूज की, मुझे बताया मैं क्या करूँ। तो ऐसे लोग जो कि फेसबुक यूज नहीं करते, वो तमाम लोग अपनी सारी के सारी असाइनमेंट और टास्क मुझे पर्सनली भेजेंगे व्हाट्सएप पे ही। लेकिन कोई भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये तमाम चीजें ड्रॉप नहीं करेंगे, अपनी असाइनमेंट्स, अपनी वीडियोस और अपने जो आपकी पिक्चर्स होंगी वो आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आनी चाहिए। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजेगा, डायरेक्टली मुझे भेज सकते हैं, वो इश्यू नहीं है, क्योंकि वो बाद में ग्रुप में से 70 वीडियोस मेरी गैलरी में होती है और मैं हैरान हो जाती हूँ, है ये 70 भेजी किसने, तो वो बड़ा मसला होता है। तो जब वो आपको आती है डायरेक्टली उस स्टूडेंट की तरफ से है, तो पता होता है कि स्टूडेंट का टास्क है, स्टूडेंट की प्रॉपरली पता लग रहा होता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ग्रुप में ये चीजें नहीं होंगी, असाइनमेंट के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिफरेंट टास्क के लिए बना। असाइनमेंट क्लियर हो गई, ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं ऑफलाइन क्लास की तरफ। ये जो मैंने आप लोग को ऑफलाइन क्लास का बोला है जी कि 45 मिनट रोजाना आपकी ऑफलाइन क्लास भी होगी, तो इस ऑफलाइन क्लास में करना क्या होगा वो भी बता देती हूँ। रोजाना आप तमाम लोगों को एक डिफरेंट टास्क दिया जाएगा कि आपने वहां पर अंग्रेजी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो जी कम्युनिकेशन तो करनी है ना, सुकून से लेटूंगा और मैसेजेस करता रहूंगा या करती रहूंगी, ऐसा नहीं होगा। आप में से कोई भी वहां पर मैसेजेस पे बात नहीं करेगा। यू गाइज आर बाउंडेड टू स्पीक थ्रू वॉइस नोट। सब लोगों के वहां वॉइसेज आनी चाहिए, हर बंदा वहां वॉइस नोट के थ्रू बात करेगा, हर बंदा वहां पर इंग्लिश में बात करेगा। मैंने मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कहा इंग्लिश में बात करेगा, मैंने नहीं कहा सही इंग्लिश में बात करेगा। अंग्रेजी की टांगे जितनी तोड़ सकते हैं तोड़ देनी है, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर उर्दू बोलने वाले या किसी और जबान बोलने वाले से मुझे बहुत बड़ा मसला है। तो आप तमाम लोग पहली बात तो ये बाउंड होंगे वहां पर अंग्रेजी बोलेंगे, कोई और लैंग्वेज वहां पे नहीं बोली जाएगी, हर बंदा वहां पे खुद को बाउंड करेगा कि उसने इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिटन मैसेजेस जिसके आएंगे वो आएंगे मेरे और एडमिन्स के, जितने भी वहां मैनेजमेंट के लोग हैं हम लोग, सिर्फ हम तमाम लोग वहां पर जो है वो इसके साथ आएंगे, यानी कि रिटन मैसेजेस की इजाजत सिर्फ हमें होगी, आप में से कोई भी वहां पर रिटन मैसेजेस नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि मिस अगर सेशन हमारे से मिस हो जाता है, ऑनलाइन क्लास मिस हो गई है, बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है लाइट नहीं होती, वाईफाई नहीं होता, आप बिजी हैं इस टाइम पे 7:09 बजे क्लास नहीं ले पाए हैं, या कुछ इस तरह के बहुत सारे मेजर इश्यूज आ जाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान पढ़ना चाह रहा होता है, फैमिली में कुछ गेस्ट आ जाते हैं, कुछ भी 1000 इश्यूज होते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी दिन अपनी ऑनलाइन क्लास मिस कर चुके हैं, तो आप लोगों को प्रॉपरली उसी दिन के फौरन बाद, यानी कि जैसे अब आपकी आज की क्लास खत्म हुई है, तो कल की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास से पहले इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दी जाएगी।
ठीक है, तो इस तमाम रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को आपके इसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इन केस अगर आप लोग मिस कर भी गए हैं तो आप वो रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके उस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं जी एक और प्रॉब्लम कि मिस अगर फिर भी रिकॉर्डिंग भी सुन ली, लाइव लेक्चर भी सुन लिया, फिर भी कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारा इश्यू ये किसी भी तरह से रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे आप? आप में से कोई भी बंदा एक दूसरे के साथ पर्सनल नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। कोई लड़का किसी लड़की को मैसेज नहीं करेगा, कोई लड़की किसी लड़के को मैसेज नहीं करेगी, इवन दैट कोई लड़का किसी लड़के को या कोई लड़की किसी लड़की को भी मैसेज नहीं करेगी। आपको पता लग रहा है कि इस वक्त ये को सेशन है, तमाम लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चलो यार लाइव सेशन नहीं लिया गया है तो कोई बात नहीं, हम जो है कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम पूछ लें। आपको जितने भी मसले मसाइल आ रहे हैं वहां पे तमाम लोगों के पास मेरा नंबर होगा उस ग्रुप में। जब पहला पहला टेक्स्ट मेरा ही ड्रॉप होने वाला है कल, तो जिस वक्त मैं आप लोगों को अपना नंबर खुद दे दूंगी, जिसको जो मसला आ रहा है डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे, चाहे वो कोई लड़की है चाहे वो कोई लड़का है, क्योंकि जो मसले आपको आ रहा है उनका हल मैं निकाल सकती हूँ, वो लोग भी निकाल सकते हैं। इसलिए ना तो उनको डिस्टर्ब करेंगे, कोई कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे। जिसको मसले हैं वो डायरेक्टली मुझसे बात करेगा, मुझे मैसेज करेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझे बताएंगे कि मिस हमारा ये इशू है, प्लीज सॉर्ट इट आउट। पहली बात तो ये आप कंसर्न करेंगे कि लाइव लेक्चर सुन लें, लाइव लेक्चर नहीं सुन पाते तो रिकॉर्डिंग सुन लें, रिकॉर्डिंग नहीं सुन पा रहे फिर भी मसला आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे, कोई भी यहाँ पे एक दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। आई होप सो कि तमाम चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और अभी इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, हाँ जी प्राइवेसी वाला। इस वक्त प्राइवेसी है, बिल्कुल है आपके ग्रुप में प्राइवेसी। कल इसी टाइम पे 9:15 बजे आपकी प्राइवेसी रिमूव कर दी जाएगी ग्रुप से। आप तमाम लोगों को जो है वो इजाजत होगी कि आप लोग जो है वो मैसेजेस के सॉरी वॉइस नोट के थ्रू बात कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा 9:15 बजे सबसे पहला मैसेज मेरा आएगा, तो आप तमाम लोग डेफिनेटली सबके पास मेरा नंबर आ जाएगा, तो जिसको जो मसले आ रहे हैं वो मुझसे बात करेगा ना। आप लोगों को फिर तो कोई बनता ही नहीं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, जब मैं डायरेक्टली खुद को मैसेजेस करने की इजाजत दे रही हूँ आप लोगों को, वरना फिर सबसे मसला यही आता ना कि यार मेंटोर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप गाइड कर दें, आप फिर हम अल्टरनेट ढूंढते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा महानूर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए दोनों लोगों के लिए एक साथ हम लोग यहाँ पर आपके स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे लिए कोई भी मेल फीमेल नहीं है, यहाँ मेरे लिए सबसे पहले आप तमाम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जेंडर बाद में। मैं इस वक्त तमाम इंसानों से बात कर रही हूँ, वो चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है। मैंने कहा आप लोग एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल खुद रखेंगे, आप लोग एक दूसरे को इज्जत खुद देंगे, दिस इज योर टारगेट ना। दिस इज नॉट दैट कि हम लोग लड़कों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दें और लड़कियों को एक अलग लाइन में खड़ा कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमने प्रोफेशनल पैनल पे रहकर एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना है। सो वी मस्ट बी अ वेरी रिस्पेक्टिव विद ऑल दोर पीपल जो कि हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। लड़कियां लड़कों की इज्जत का बहुत ख्याल रखेंगे और लड़के लड़कियों का। आप लोग एक दूसरे की अलग लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, आप लोगों ने काम एक साथ करना है। अगर आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस में मैंने डेवलप करना है कि आपको दूसरे अगर कोई मर्द आपसे बात कर रहा है या कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो आप लोग को कम्युनिकेशन करनी आती हो। ये शायनेस भी तो हमारे बड़ा साथ बड़ा मसला है ना। हम लड़कियां बड़ी सो कॉल कूल बन जाती है चार लड़कियों के सामने बोल के, दो लड़के सामने खड़े होते हैं हम लोगों की शायनेस नहीं खत्म हो रही होती। तो हमने इस चीज के ऊपर भी काम करना है, लैंग्वेज आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। हम सेपरेट ग्रुप कोई नहीं बनाएंगे, मैंने इसीलिए आपको कहा कि प्राइवेट कोई नहीं जाएगा, वहां जो बात हो रही है मेरे सुपरवियन में हो रही है, वहां पे 8 एडमिन मौजूद हैं आपके साथ। आप लोग कोई भी वहां पे कोई भी बात करेंगे विद इन अ सेकेंड। और याद रखिएगा ये तमाम रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से किसी ने कोई भी रूल अगर ब्रेक किया और मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंची ऐसी कि आपने किसी ने एक दूसरे के साथ प्राइवेट लिंक करने की कोशिश की है या कोई भी ऐसी बात की है जो मुझ तक पहुंच गई है, वो मुझ पर पहुंचने के बाद डायरेक्टली मैंने चुपचाप उस नंबर को उस ग्रुप से रिमूव कर देना और दोबारा वो नंबर ग्रुप में ऐड नहीं होगा। दैट्स अ क्रिस्टल क्लियर थिंग। मैंने आपको इतनी बड़ी इजाजत दे दी है कि सब लोगों के मसले मैं खुद एक एक बंदे का, 50 लोग हैं तो 50 के 50 को रिप्लाई मैं करूंगी, आप 50 के 50 मुझे मैसेज कर सकते हो मगर मेरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप में से कोई भी इन 50, आप तमाम 50 के 50 मेरे साथ सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा लवेबल हैं, तो आप में से किसी को भी एक दूसरे को परेशान करने की इजाजत नहीं होगी। इज दैट क्लियर जी? तमाम मसले तमाम चीजें सॉल्व हो गई हैं, सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो प्लीज मुझसे आज ही पूछ लें। मुझे ड्यूरिंग सेशन रोजाना के ये सवाल नहीं सुनने, मिस हम असाइनमेंट कहाँ सबमिट कराएं, मिस ये टास्क कैसे होगा, मिस ये प्रॉब्लम नहीं हल हो रही, मिस ये हो गया है, मिस वो हो गया है, मिस वो हो गया।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज ये पेन ले सकती हूँ, मैं रोज ये पेन नहीं लूंगी. तो मुझसे जो क्वेश्चंस करना है आप लोगों ने सेशन से रिलेटेड मुझसे अभी कर लें. तमाम चीजें मैं वैसे खुद बता चुकी हूँ, ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है. मैं वो तमाम चीजें खुद मैंने इसलिए क्लियर कर दी है. अगर फिर भी ये तो हमें लर्न करना है ना आदिल, अभी हम ये लर्न करेंगे हम कैसे इन चीजों पर वर्क करेंगे. विधि खान, जो आप लोगों की असाइनमेंट्स कॉन्वर्सेशन की होंगी ना, जो आप लोगों ने ग्रुप में भेजनी है, वो आप लोग जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है ना वॉइस रिकॉर्डिंग का, आपने सिर्फ और सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यूज करते हो, अपना वॉइस नोट भेजना है. जो आप लोगों की ड्रिलिंग हो रही होगी व्हाट्सएप क्लासेस पे, सिर्फ वॉइस नोट आने चाहिए. और जो आपकी वीडियो वाली जो असाइनमेंट्स होंगी वो लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल पेज पे जाएंगी. जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते वो लोग तमाम वो असाइनमेंट मुझे पर्सनली सेंड करेंगे. ग्रुप में कोई भी इस तरह के ग्रुप में सिर्फ वॉइस नोट्स होंगे, सिर्फ वॉइस नोट. और ये कौन है जी, इतना सारा नाम पता नहीं, ये पूरे डिवाइस का नाम लिख डाला इन्होंने, आगे पता नहीं क्या क्या कुछ लिख डाला. हाँ, पहले तो प्लीज अपने अपने नाम लिखा करें अपने डिवाइसेस पे, ताकि मैं सबसे बात कर सकूं, मुझे पता हो. बट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन इन द ग्रुप जी, जैसे कि डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे. आज आज जो मैं आप लोगों को टास्क दूंगी पहला पहला, क्योंकि कल आप लोगों की पहली क्लास होगी ना वहां भी ऑफलाइन क्लास में, तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के टास्क होंगे. वो टास्क मैं खुद दिया करूंगी जी. हंजला बिल्कुल ऐसे ही, फेसबुक पे आपने जो है वो रिकॉर्डिंग करके भेजनी है. अच्छा, यमन आपका नाम है और आपका निक नेम है जी, एमओ. ओके जी, डन जी. क्लियर हुआ सबको पूरी की पूरी सारी स्ट्रेटजी, सारे प्लान कि हम लोग किस तरह से कब कहाँ और क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट्सएप पे कैसे क्लासेस होंगी और जूम पे, दो एप्लीकेशन के थ्रू ये लेक्चर्स आप लोगों के साथ होने वाले हैं. अगर सबको क्लियर है तो जल्दी जल्दी से सब कमेंट में क्लियर लिख देंगे, सिर्फ क्लियर लिख दें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोग के कोई क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं. और अगर क्वेश्चन बचे हैं तो प्लीज क्वेश्चन कर लें, ताकि हम अपने सेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं. जरा पहली पहली क्लास थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं लैंग्वेज का. ओके जी, कोई बात नहीं. आपने किसको मैसेज किया था? ओके, जिसको भी मैसेज किया था, बट नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखेंगे. वीडियोस किस टाइप की बननी होंगी मैं बताती हूँ जी, अभी मैं बता देती हूँ. और कोई सवाल मुझे चेक करने दें किसी का, और कोई क्वेश्चन ना हो. देखिए, मैंने इसीलिए कहा बाजू का था, हम हमारी इंटेंशन बड़ी अच्छी होती है, हम कुछ गलत नहीं चाह रहे होते, मगर सामने वाला शायद इस बात का बुरा मान जाता है. ठीक है, सामने वाला इस बात का बुरा मान जाता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है. बस बात इतनी सी है, आप लोग जितना प्रोफेशनल आप चलेंगे उतना प्रोफेशनल सामने वाला बंदा चलेगा. जब मैं एक चीज की आपको प्रॉपर टाइम का इशू आ रहा है, मैंने कहा आप एडमिन से पूछ लें. पहली बात तो ये शेड्यूल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर है, तो आपके शेड्यूल पर ऑलरेडी टाइमिंग मेंशन होती है. टाइम ऑलरेडी आपको पता लग चुका है कि ये 9:15 जो है रात के 9:15 आपकी दोनों क्लासेस होने वाली हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. तो एक महीने तक बस आप 9:15 अपडेटेड रहिएगा, टाइम का मसला भी हल हो गया. जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करते ना, तब तक ये गैप्स आते हैं. जब ये गैप्स फिल होने शुरू हो जाते हैं तो वो क्लियर हो जाती है. मैम, वी हैव टू सबमिट असाइनमेंट ऑन व्हाट, ऑन टीम्स? क्या मतलब ऑन टीम्स जी, मुझे समझ नहीं है आपकी बात. आयशा वहीद, अच्छा ये जो अभी एक और सवाल था जी, वीडियोस किस टाइप की होंगी. हाँ, जमर का सवाल था ये. जमर साहब ने पूछा कि जी वीडियोस किस टाइप की होंगी. देखें, फॉर एग्जांपल इस वक्त आप तमाम लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? सब लोग, सबको मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज सबको आ रही है ना? क्या मेरी शक्ल देख पा रहा है कोई? क्या मेरी वीडियो आ रही है इस पर किसी के पास? नहीं आ रही, नहीं आ रही. यही मुझे आपसे चाहिए, मुझे आपकी शक्लें नहीं देखनी. आप प्रॉपरली चाहे अपना कैमरे को क्लोज करके बैकग्राउंड पे कोई भी एक तस्वीर लगा दें और अपनी आवाज रिकॉर्ड करने दास उस वीडियो क्लिप को भेज दें. हाँ, थोड़े से इतने सारे वीडियो एडिटर्स हैं भैया आजकल, अपनी अभी टिकटॉक बनानी हो ना, हमें पता होता है कैसे वीडियो को एडिटिंग करनी है, कैसे उसके ऊपर अपने चेहरे के साथ हमने शिमर्स लगाने, कैसे फिल्टर्स लगाने और किस किस तरह की चीजें हमने अपलोड करनी है, सारी चीजें हमें आ जाती है. सो दिस इज व्हाट, आपने इसी तरह से बैकग्राउंड पे कुछ भी फ्लॉर्स लगा दें, एनिमेशन लगा दें, कुछ भी कर डालें, सिर्फ आवाज आपकी होनी चाहिए.
अच्छा हंजला, हंजला बहुत मासूम है जी, उनको तो वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती। वेरी गुड, आप एक काम कीजिएगा, आप अपने कैमरे की वीडियो ऑन कीजिएगा, वीडियो पे रख लीजिएगा अपना हाथ, और हाथ जो है वो आप, हम आपका देखते रहेंगे और आपकी आवाज सुनते रहेंगे, ठीक है? वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ना, या उसको अपने बेड पे रख दीजिएगा, आपकी बेडशीट देख लेंगे हंजला हम अब, ठीक है जी? या अभी भी कोई मसला है? जिनको वीडियो एडिटिंग नहीं आती भाई, कैमरा क्लोज ही करना है, कैमरा क्लोज करना तो आता होगा, मोबाइल इस्तेमाल करना तो आता होगा ना, अपने कैमरे को क्लोज करना है सिर्फ। अगर आप लोग वैसे ही अपना कैमरा भी क्लोज नहीं करना चाह रहे तो मुझे कोई मसला नहीं है, आई लव टू सी ऑल ऑफ यू, मैं आप तमाम लोगों को देखने के लिए भी तैयार हूँ। आप लोग अपनी वीडियो बना के प्रॉपर मुझे भेज सकते हैं, वो भी मसला नहीं है। अगर आप लोग नहीं चाहते तो मैं क्यों आप लोगों को इतनी मेहनत कराऊँ, सिंपल से वीडियो बनाए भेजने, बात खत्म। विधि खान, लेक्चर्स अभी शुरू हुए हैं, अभी ये सारी कुछ अभी बता डालूं यार, तो आप लोग पूरे महीने में क्या पढ़ोगे? मैं सारी चीजों की इतनी टेंशन क्यों है आप लोगों को? अब मैं मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही जी, बात खत्म हो गई है। आप लोगों को मैं जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोग उतना ज्यादा मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो रहे हैं, वो ये भी होना है, ये किस तरह का होगा, ये किस तरह? अरे भाई बड़ी नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, टेक इट इजी गाइस, यू गाइस कैन डू इट विद इन 2 to 3 मिनट्स, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे पता है नॉर्मल इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, वॉइस नोट अपना फेसबुक को जो है वो इजिली भी तो इजिली स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, अपने व्हाट्सएप को सुबह शाम हम ऑनलाइन होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब आप आ जाए जरा मेन टॉपिक पे प्लीज, मुझे जरा इंट्रो कराने दें लैंग्वेज का। अब मैं मजीद कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं कर रही, दैट्स इट, हो गया, बहुत बहुत जोर की अंग्रेजी आ रही है, अब मुझे प्लीज सुनने जी, बहुत जोर की अंग्रेजी आ रही है, मुझे इजाजत है, स्टार्ट कर दूं लेक्चर आज का, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई है, यकीन करें बड़ी, अब मेरे अंदर का टीचर जाग रहा है, वो जो गाइडर थे ना, गाइडर की इंतकाल हो चुका है, गाइडर चाहता है बस अब टीचिंग पे वापस आ जाए। बहुत हो गया जी, बहुत हो गया, वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक जी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट जनाब, सबसे पहले हम आ रहे हैं अपने इंट्रो टू द लैंग्वेज की तरफ, एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड आई होप सो के तमाम लोगों को मैं सब चीजें बता सकूं। अच्छा जब तक मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आ रही हूँ, जरा मुझे जल्दी से आप तमाम लोग कमेंट में अपना अपनी क्वालिफिकेशन तो लिख दें, कि तमाम लोग इस वक्त जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ये 50 50 नहीं 52 पीपल, तो जरा मुझे अपनी क्वालिफिकेशन तो बताएं जल्दी जल्दी सब, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा बंदा मेरे साथ मौजूद है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? सब लोग जरा मुझे अपनी अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, विल बी वेरी थैंकफुल। अच्छा ये वाला पॉइंट बड़ा जरूरी है जी, अगर मुझे मेरे साथ 52 लोग कनेक्टेड है ना, तो मुझे साइलेंट लोग नहीं चाहिए, वो लोग चैट अभी के भी छोड़ के जा सकते हैं, क्लास अभी के अभी लेफ्ट कर जाएं प्लीज, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप चुप रह के 30 मार्क खराब बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लैंग्वेज की क्लास है, लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का प्रॉपर विद इन अ सेकंड कम्युनिकेट करना बड़ा जरूरी है, तो मुझे जल्दी जल्दी से सब अपनी अपनी क्वालिफिकेशन जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कौन इस पर क्या कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट हैं जी हमारे साथ रूज, उसके बाद MBBS 4th ईयर, ठीक है, BSc, FSC, LLB, FSC, ICS, मेट्रिक, FSC, DAE, ओके, DEA या DAE होता है हमजा, FSC, FSC, फार्मेसी कंटिन्यू, ठीक है जी, कंप्लीटेड एमफिल फाइनेंस, वेरी गुड, आमना मैट्रिक, ACCA, वाओ, एमए इन एजुकेशन, वाओ, उसके बाद है जी BS इन HND, क्या होता है हिजा, HND कौन सा सब्जेक्ट होता है जी, मुझे भी बताइए। FSC है जी, FA, BS इंग्लिश, आई एम स्टूडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ PP, क्या होता है जी, FSC, BCom, स्टूडेंट ऑफ BA, स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ओके, उसके बाद है जी ICS, BA कंप्यूटर साइंसेस, मास्टर सेकंड ईयर, FSC, 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 BS, BS, FSC, FA, मेडिकल, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, अच्छा जी, एक MBBS 4th ईयर से हैं और एक थर्ड ईयर से हैं, ठीक है, एमओ, एमओ, ओके, अच्छा एमन याद आ गया मुझे, ओके, मास्टर्स इन इस्लामियत, ग्रेजुएटेड, BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर, वेरी गुड जी, BS इंग्लिश, वेरी नाइस, BS इकोनॉमिक्स, MA, FSC, माइक्रोबायोलॉजी, BS इंग्लिश, FSC, MBBS 4th ईयर, ओके, आई गॉट इट मानूर, थर्ड सेमेस्टर, BS इंग्लिश, ओके, FSC, 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 इतने सारे FSC, ओके, AD, AD इन आर्ट्स, ओके, अच्छा ठीक हो गया, BS टेक्निकल, थर्ड ईयर मेडिकल, एक और थर्ड ईयर मेडिकल, अच्छा एमओ मैं सुन चुकी थी वैसे, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ACCA, वेरी गुड, वेरी गुड जी, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंग्लिश के लोग और पता नहीं कौन कौन, वाओ,
मतलब सबसे कम क्वालिफिकेशन मेरी ही हुई फिर तो। अच्छा जनाब, तो चलते हैं हम अपने आज की क्लास की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अच्छा जी, तो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन आपके पास विजिबल होगी, अब तमाम लोग इस वक्त मेरी स्क्रीन देख सकते हैं जी। ओके जी, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। दिस इज व्हाट इट्स अ ईएसएल सेशन, इट्स योर फर्स्ट क्लास, दैट्स व्हाट अबाउट डेफिनेटली जी स्पोकन इंग्लिश, एंड इट्स गोना प्रेजेंटेड बाय हदीका इस्लाम राइट नाउ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जबान है कि जी। थोड़ा सा इसका बस हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, छोटा सा लेक्चर, बहुत लंबा नहीं करूंगी, ये लेक्चर आज पूरा पढ़ाऊंगी भी नहीं मैं, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहा है, क्योंकि आज का मेरा बेसिक काम था आप लोगों के सारे मसले मसाइल्स को हल करना। मसले मसाइल्स, आप देख रहे हैं अंग्रेजी बोलने का ये नुकसान होता है आपको कि आपकी उर्दू की पूरी वाट लग जाती है। अब ये मसाइल्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, हालांकि मसाइल होता है लफ्ज। सो द थिंग इज व्हाट वी हैव टू लुक एट अनदर थिंग। आप इसमें देख सकते हैं जी, आपके सामने मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मुझे कोई बता सकता है कि सिलेबल किसे कहते हैं? सिलेबल किसे कहते हैं? कोई मुझे बताएगा जी, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल किसे कहते हैं? SYLLABLE, मैं सिलेबस नहीं बोल रही हूँ, मेरे साउंड पे जरा फोकस कीजिएगा। मैंने कहा है सिलेबल किसे कहते हैं, तो बता सकता है इंग्लिश वाले? बता सकते हैं? अभी मेरे सामने दो तीन इंग्लिश के लोग थे जी, BS इंग्लिश वाले लोग थे, इंग्लिश वाले बता सकते हैं जिसकी एक साउंड होती है। वेरी गुड मानूर। अच्छा, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, कोर्स को वॉवल साउंड है मुंह। अच्छा, जरा मैं इस वक्त आपके सामने ना एक वर्ड बोलती हूँ, आपने ना उसमें साउंड पे फोकस करना है, इसमें कितनी आवाजें आ रही हैं आपको, ठीक है? मैं इस वक्त अपना नाम आपके सामने ले रही हूँ जी, हा बी का। साउंड बताएं कितनी आवाज सुनाई दी है आपको, हा दी का। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे खामोश रहने वाले लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। अगर आप लोग मुकम्मल पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने का। हर बंदा मुझे एक्टिव चाहिए, मुझे पता है रात के 10 बजे इस वक्त बहुत शदीद वाली नींद भी आ रही होगी, सो प्लीज डू सम कॉम्प्रोमाइज और आप लोग को जागना पड़ेगा मेरे साथ। सो जल्दी से बताएं जी, इस साउंड में कितनी आवाजें सुनाई दे रही है आपको, हा दी का, हा दी का। हाउ मेनी साउंड यू कैन लिसन? 6? ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली इनफिनिक्स नोट? 8? मैंने आपसे वर्ड्स नहीं पूछे, मैंने आपसे ये नहीं पूछे कितने अल्फाबेट्स हैं, मैंने साउंड्स पूछी हैं। आवाज को सुनिए गौर से, ह दी का। साउंड्स बता दें कितनी आ रही हैं। वेरी गुड, तमाम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी, 3 साउंड सुनाई दे रही हैं सब लोगों को। मुझे बता दें जी, इसमें जरा अल्फाबेट्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं हरिका में? HATIQA, अल्फाबेट्स बताएं जी कितने हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं जी, जल्दी जल्दी बता दें सब। 6666666, ओके 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 ओके, 6, वेरी गुड। याद रखिएगा, अंग्रेजी में बोलते हुए हमने साउंड्स के ऊपर बड़ा फोकस रखना है, हमने देखना है कि एक लफ्ज को बोलते हुए कितने हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रेथ ले रहे हैं ना आप, ये जो बीच में साउंड का मैंने सांस लिया, जैसे कि मैंने बोला ह दी का, हालांकि बोला तो हदी है ना, उसके साउंड के ब्रैकेट देख रहे हैं आप इसके प्रोनाउंसिएशन में। तो हमने ये लर्न करनी है, हमने ये लर्न करनी है कि हम ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट हो। अब आपके सामने इस वक्त एक चीज लिखी हुई है जी स्क्रीन पे, आपकी स्ट्रेस पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। मुझे बता सकता है कि स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस किसे कहते हैं जी, स्ट्रेस का मतलब कोई मुझे बता सकता? एक तो स्ट्रेस वो है जो इस वक्त आप तमाम लोगों के ऊपर है, वो एक तो स्ट्रेस वो है जो इस वक्त आप तमाम लोगों के ऊपर है। ये क्लासेस कैसी होंगी, ये कोर्स कैसे करवाया जाएगा हमें, ये भी तो प्रेशर है ना, बड़ी टेंशन है, जोर है, दिमागी प्रेशर, बहुत ज्यादा टेंशन, परेशानियां है। ऐसे ही है ना, ये वाली टेंशन भी तो है ना इस वक्त, एक तो प्रेशर वो है, हाँ है, हाय मैं मर जाऊं वाली टेंशन, बिल्कुल जी। और एक दूसरा हमारे पास जो स्ट्रेस है जी, वो होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त लैंग्वेज की, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के फाइनल पे रह के वी जस्ट हैव टू लुक एट दैट के यहाँ पर हम सिलेबल सॉरी स्ट्रेस कहते हैं जी दबाव को, यहाँ हम स्ट्रेस कहते हैं,
है जनाब दबाव को। दबाव क्या होता है जी? जिस वक्त आप बोल रहे हैं तो आपने अल्फाजों के ऊपर ध्यान देना है कि आपने उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं आप देख रहे होंगे अपने सामने स्क्रीन पे सिलेबल की तीन टाइप्स आपको नजर, सॉरी स्ट्रेस की तीन टाइप्स आपको नजर आ रही है। एक है जी सिलेबल स्ट्रेस, एक है वर्ड स्ट्रेस और एक है सेंटेंस स्ट्रेस। सिलेबल क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, सिलेबल में कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं वर्ड और सेंटेंस की तरफ। वर्ड आप तमाम लोगों को पहले से पता होगा कि लफ्ज किसे कहते हैं, और सेंटेंसेस मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, सबको पता है सेंटेंसेस भी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करने लगी हूँ यहाँ पर आप लोगों को, सबसे पहली चीज वो है सिलेबल स्ट्रेस, कि सिलेबल स्ट्रेस किसे कहते हैं। आपके सामने इस वक्त एक लफ्ज लिखा हुआ है जी ऑब्जेक्ट। कोई मुझे बता सकता है इस लफ्ज के अंदर, अगर मैं इसको ना बोलूं, इसको आप खुद प्रोनाउंस करके देखें और बताएं मुझे इसके अंदर कितनी साउंड है, ऑब्जेक्ट कितनी साउंड सुनाई दे रही है आप लोगों को? मैं बोलूंगी नहीं, मैं खुद बोल के नहीं सुनाऊंगी, आपने खुद गेस करना है कितनी साउंड सुनाई दे रही है सबको, जरा बोल के देखें इसको। चलें जी, सबने अपने अपने आंसर दे दिए, अब जरा मेरी सुनेंगे और फिर बताएंगे कि कितनी साउंड सुनाई दे रही है। ये तो वो हो गए ना जो आपने गेस किए हैं। अब आपने मेरी साउंड को सुनना है और गेस करना है। मुझे लगता है मुसलसल तीन चार लेक्चर शाम से पढ़ा के और मेरी आवाज की छुट्टी हो गई है। आई ट्राई टू फिक्स इट जी, लेकिन मैं इस वक्त बोल रही हूँ इस साउंड को और आप लोगों ने गेस करना है कि आपको कितनी साउंड सुनाई दे रही है। ऑब्जेक्ट, अब लिखें जी कितनी साउंड सुनाई दे रही है। ऑब्जेक्ट, 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 क्या कहीं ऑब्जेक्ट सुना है, कभी सुना है ऐसा लफ्ज, या ऑब्जेक्ट सुना है कभी? अच्छा कभी नहीं सुना होता। तो ये तीन चार पांच क्यों लिख रहे हैं भैया आप सब? आप लोगों ने तो पूरी साउंड को एक पता नहीं क्या बना डाला है। तो साउंड सिर्फ इतनी ही थी, ऑब्जेक्ट दैट्स इट। वो मैं हैरान, मैं गेस कर रही थी यार इस बंदे ने जो चार लिख दी हैं तो ये चार पे कैसे बोल रहा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे प्रोनाउंस कर रहा होगा। मतलब मैं गेस लगा रही थी कि जिस बंदे ने चार लिखा है इसने क्या सोच के चार लिखा है। बट द थिंग इज दैट कि जरा साउंड पर फोकस करें। आई गॉट इट द रिमाइंडर अनिका। द थिंग इज व्हाट के अब जरा फोकस करना है कि कितनी साउंड है। स्पेलिंग को भूल जाइएगा प्लीज। अगर आप अपनी अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहते हैं ना, तो आप आज से अपनी स्पेलिंग को तो ऐसे उठा के साइड पे रख देना कि अंग्रेजी में लिखा क्या हुआ। हमारा मेजर फोकस है जी हमारी साउंड पे। तो जरा आप देखिएगा, पिंड से हैं, इन्फिनिक्स पिंड से हो तो क्या मतलब, वहां पे ऑब जा कट पड़ते हैं। अगर पिंड से भी हो तो पिंड में भी नहीं ऐसा पढ़ा जाता भाई। अब इतनी भी जाति नहीं हमारे पिंड में, हम भी पाकिस्तान से हैं, इतने भी जाति बिल्कुल नहीं हुई हमारे पिंड में कि वहां पे बच्चों को जो है वो ओब ओ बा ज आ कट, अगर इसके पांच भी साउंड बनाए जरा सुने कितने बनते हैं। अगर इसके पांच साउंड बनाने की कोशिश करूं तो जरा सुनिएगा कितना वियर्ड लगता है सुनने में, ओ बा जा आ कट। लाइक सीरियसली साउंड ही बदल गई है। पिंड में भी ऐसे कोई नहीं पढ़ाता होगा भाई, ये तो कहानी ही बदल डाली, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है ये ओ बा जा डा आ, बस लग रहा है जैसे किसी किसी खानदान की नस्लों के नाम बता रहे हैं हम। इट साउंड सो बैड। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता जी। जी फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पूछे जी, कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो अच्छा मैं पहले बता रही हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन आज मैं बिल्कुल भी इस लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, इसको वो सॉरी खत्म नहीं कर रही हूँ। ये हम सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ आज, है वो सिलेबल का। सिर्फ सिलेबल सुन लेंगे सब लोग, और कल हम जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा 45 मिनट की होती है जी क्लास, 45 मिनट की, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस लेक्चर को मैं सिलेबल के बाद वर्ड से नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगी, सिर्फ इसको समझ लें। अच्छा जरा देखिएगा, मैं आपसे कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त जल्दी से कोई मेरी स्क्रीन पे आ जाए, जल्दी से कोई बंदा मैसेज ड्रॉप कर दे, कोई भी कोई भी कुछ भी ड्रॉप कर दे जी।
मानूर आ गई है जी, मानूर आ गई है, वेरी गुड. अब मानूर से फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ जी, हे एक्सक्यूज मी मानूर, गिव मी बैक, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट. जरा फोकस कीजिएगा इस वक्त मेरा, मेरी प्लीज, मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन छोड़े, मेरे साउंड पर फोकस करना है. मैं मानूर से बात कर रही हूँ, मैं मानूर को कहती हूँ हे मानूर गिव मी बैक, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, चेक. मेरे साउंड पे फोकस करें, मैं ऑब के ऊपर कितना प्रेशर दे रही हूँ, जोर कितना डाल दूँ, ऑब्जेक्ट. आप कोई मुझे बता सकते हैं मैं मांग क्या कहना क्या चाह रही हूँ मानूर को, इस ऑब्जेक्ट में, जुमले में यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जल्दी से बताइएगा, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं. चीज, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त. चीज की बात कर रही हूँ मैं, किसी थिंग की बात कर रही हूँ, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मानूर के पास मेरा पेन हो सकता है, कोई पेंसिल हो सकता है, कुछ भी हो, एनीथिंग एनीथिंग. अब अगर मैं इसी जुमले को मैं इस तरह से बोलूं, हे मनोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट, आई हैव एन ऑब्जेक्ट, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, आई एम सेइंग हे मनोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, मुझे बता सकता है कोई, मुझे बता, मसला है, मुझे प्रॉब्लम है भाई, मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं एग्री नहीं कर रही, डिसएग्री कर रही हूँ, मुझे, मैं डिसएग्री कर रही हूँ, मैं डिसएग्री कर रही हूँ, मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही. आप देख सकते हैं आपके सामने एक ही लफ्ज था, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी, उसकी साउंड भी सेम थी, लेकिन मैंने उस पर स्ट्रेस डाला, उस पर प्रेशर डाला, तो दोनों लफ्ज बदल गए, कहानी बदल गई, सारी के सारे सिचुएशन के हिसाब से अल्फाज का मीनिंग भी बदल गया, जबकि लिखने में तो सेम था, इवन दैट सुनने में भी सेम था, साउंड भी दोनों की सेम थी, दो दो सिलेबल ही थे, स्पेलिंग भी सेम थी, आवाज भी ठीक आ रही थी, सब कुछ एक जैसा था, मगर एक तरफ वो कोई चीज का नाम बन गया है और एक तरफ एक ऑब्जेक्शन का नाम बन गया. दैट्स इट. याद रखिएगा जी, अंग्रेजी जबान में एक अल्फाज के बहुत सारे मतलब होते हैं. ये सिर्फ एक छोटी से पॉइंट मैंने अभी रेस किया है कि किस तरह से एक ही लफ्ज की साउंड के अंदर थोड़ा सा आप चेंजिंग लाए तो मतलब कैसे बदल जाता है. याद रखिएगा, अभी हमने वर्ड पे पढ़ना है, हमने सेंटेंस पे पढ़ना है कि एक ही जुमले को आप डिफरेंट 12 तरीकों से बोल सकते हैं, एक ही अल्फाज को, एक ही लफ्ज से आप चार चार पांच पांच सिचुएशंस बना सकते हैं. आप क्यों भागते हैं एक एक चीज की लर्निंग के लिए. ये खैर, ये लेक्चर अभी हमारा पहला बिल्कुल कम्प्लीट नहीं हुआ, इसको हम नेक्स्ट अपनी लाइव क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल आज की जो आपका पहला पहला टास्क है वो मैं आपको बता चुकी हूँ जी. फिलहाल जो आपका टास्क है वो कल के लिए है, और आप तमाम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में सब अपना अपना इंट्रोडक्शन मुझे करवाएंगे, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने शहर का नाम, और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश. ये 4 से 5 चीजें कल 9:15 बजे आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन कर दी जाएगी, 10 बजे उसको वापस क्लोज कर दी जाएगी, याद रखिएगा. तो आप तमाम लोगों को वो असाइनमेंट जो है अपना अपना वॉइस नोट उसी टाइम के दरमियान में ड्रॉप करना है, ताकि मैं सबको सुन सकूं. फिर से बता रही हूँ जी, नेम योर क्वालिफिकेशन एंड योर सिटी नेम एंड व्हाई यू वांट टू लर्न अबाउट इंग्लिश. सो दैट्स इट फॉर टुडे जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन, तब तक के लिए अल्लाह की अमानत.